तेरा क्या होगा कालिया? सरदार सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। अब गोली खा। शोले फिल्म के इस डायलॉग से हम सब परिचित हैं। इसमें एक चीज का इस्तेमाल किया गया है, नमक। नमक एक ऐसी चीज है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा दे चुके हैं। गांधी जी के उस डांडी यात्रा से लेकर अब तक नमक ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। अगर हम आज की बात करें तो नमक बेचने के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कोई कंपनी कहती है कि हमारा नमक सेहतमंद है, कोई कहता है कि हमारे नमक में आयोडीन है, कोई कहता है कि हमारे नमक में केमिकल नहीं है। हर कंपनी अपनी तरफ से अपना हथकंडा इस्तेमाल करती है। इसे ही कहते हैं मार्केटिंग। जिस तरह कोई भी किचन नमक के बिना अधूरा है, उसी तरह कोई भी बिजनेस मार्केटिंग के बिना अधूरा है। जब तक आप अपनी चीज को बेचने का तरीका नहीं ढूंढ सकते, तब तक वो चीज बेकार है। और इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए मार्केटिंग एक बहुत ही अहम हथियार है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिसके बलबूते पर आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को समझा सकते हैं और आप अपनी एक अलग पहचान तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। अब इसका आसान मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी चीज के बारे में जिसको आप बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करें उसके बारे में। जितने लोगों के साथ आप बात करेंगे, उतने लोगों को आपके बिजनेस के बारे में और आपके प्रोडक्ट या आपकी सेवा के बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज है सोशल मीडिया। आज घर घर फेसबुक से वाकिफ है। फेसबुक आज हर युवा, हर बुजुर्ग के लिए एक आसान चीज बन चुका है। तो अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय में, और जी हाँ, बिना मूल्य पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है, वो है सोशल इवेंट्स। हर रोज हर मोहल्ले में हम देखते हैं अलग अलग चीजें होती रहती हैं। हर महीने कोई ना कोई त्योहार आते रहता है। आप इन त्योहारों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहली मर्तबा पहुंचाएं और उनसे जानकारी लें कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कैसा महसूस किया। इसके साथ साथ आप रोड शो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कभी कभार आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक आसान जरिया ढूंढें। जिसका मतलब है कुछ चीज़ें आपको शुरुआती दौर में हो सकता है मुफ्त देनी पड़े, और जब लोगों को उसका जायका पता चल जाए तो लोग खुद ब खुद उसकी मांग करने लगेंगे। और आखिरकार एक और अहम चीज़ है जिसका इस्तेमाल आज हर व्यक्ति कर सकता है, और वो है वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम खर्च में आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस की एक अलग पहचान तैयार करेंगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप अपने घर बैठे बैठे हजारों करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हर बिजनेसमैन कर सकता है और उसे करना चाहिए। तो जल्दी से अपनी ड्रीम बुक निकालिए और इन सारे चीजों को दर्ज कीजिए कि इसका इस्तेमाल करके आप भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग बखूबी निभा सकते हैं। और तब तक के लिए याद रखिएगा, कामयाबी जीतते रहिए।